उत्तर प्रदेश के बरेली के एसपी से पार्षद गौरव सक्सेना के विरुद्ध कार्रवाई न करने की मांग की। बरेली के चर्चित गोलीकांड में अभियुक्त बनाए गए शास्त्री नगर के पार्षद के समर्थन में काय समाज के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी सिटी मानुष पारिक से मुलाकात कर पार्षद को निर्दोष बताते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई न करने की मांग की। सोमवार सुबह शास्त्री नगर के पार्षद गौरव सक्सेना के समर्थन में काय समाज के दर्जनों लोग एसपी सिटी मानुष पारिक से मिले। उनके कार्यालय पहुंचे उन्होंने बताया कि पीलीभीत बाईपास पर पिछले दिनों तक चर्चित गोलीकांड में पुलिस ने गौरव सक्सेना को अभियुक्त बनाया है, जो कि एक स्वच्छ सभी के नेता हैं। उससे पूर्व उन किसी प्रकार का कोई भी आपराधिक मामला नहीं है। भविष्य में भी इस तरह के मामले शामिल न होने की संभावना है। इसके बाद ही पुलिस ने उन गंभीर आरोप लगाते उन्होंने अभियुक्त बना दिया। प्रतिनिधि मंडल में एसपी सिटी से मांग की उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच निष्पक्ष तरीके से कराई जाए, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई न की जाए। इस अवसर पर रवि जौहरी, अंकित सक्सेना, निर्भय सक्सेना, शोभित सक्सेना, के पी सिंह, विकास चित्रांजन, रितेश श्रीवास्तव, योगेश सक्सेना, संदीप सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे। इकट्ठा हुए हैं जो कांड हुआ था अभी पिछले 6 महीने पहले, उसमें जो है वो गौरव सक्सेना पार्षद को एक अनावश्यक रूप से उसमें नाम डाल के फंसाया जा रहा है। कौन सा कांड संक्षेप में बताएं? ये पीलीभीत बाईपास पे कांड हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं कि आप ही सभी लोगों ने उसको छापा है और देखा भी है। गोली कांड जो हुआ था उसके लिए तो गौरव सक्सेना जी कहाँ है? उनके सब, हम सब गौरव सक्सेना है। हाँ, उन्होंने एश्योरेंस दिया है। एसएसपी को पहले एक ज्ञापन दिया गया था उनकी पार्टी की तरफ से। आज हम लोग समाज के सब लोग इकट्ठे हुए हैं तो उसमें यही इनसे मांग की गई है कि जो भी जांच हो, जो भी उसको बिल्कुल निष्पक्ष हो। आश्वासन दिया उन्होंने, पूरा उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी तक किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगा है। वो एक निष्पक्ष व्यक्ति है और किसी भी तरह का कोई भी अतत्व तरह का कोई भी उस पर चार्ज नहीं है। वो राजनीति में एक उभरता हुआ नेता है, युवा है, हम सबका प्रिय है, हम सबका भाई है। वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। जिस तरह से उसका नाम खींचा जा रहा है, ये वास्तव में एक राजनीतिक षड्यंत्र है। निष्पक्ष नहीं, ये सर कॉल डिटेल में जो नाम सामने आया है, जांच में भी जो अखबारों ने दिया है वो ये दिया है कि पहले कांड होने से पहले वो किसी से बात कर रहे थे। जैसे तो मैं भी किसी से बात कर सकता हूँ, मतलब तो बात 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 बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी पहले बात करिए तो हमारा कोई साजिश कर रहे हैं उससे क्या लगता है आपको? किस तरह की साजिश है? कौन लोग हैं? ये तो नहीं जा सकता है, पॉलिटिकल एनिमी हो सकता है। और ये तो जांच में आने 15 दिनों में दूध का दूध पानी का पानी। ये